अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये गलियां, ये मोहल्ले, ये गांव मुझे मेरी ये जान लेता है ये गांव, क्योंकि इधर मेरी माँ कभी हुआ करती थी। पिछले मुहर्रम और हराम में मैंने अपनी माँ के साथ बहुत सारी चीज़ें बांटी थी और इस मुहर्रम में वो नहीं है, अल्लाह ताला के पास चली गई। तो मुझे उसकी बड़ी याद आई है इस मुहर्रम में, इस 10 तारीख को। तो मैंने कहा कि चलो आपसे भी कुछ बातें शेयर की जाएं, ताकि आप भी मेरी माँ के लिए दुआएं मगफरत कर दें। प्यारे दोस्तों, माँ के बगैर ये हवाएं ठंडी नहीं लगती, ये मौसम अच्छे नहीं लगते, ये बारिशें भी दिल को चुभती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोहब्बतें भी जो होती हैं वो नहीं मिलती। जिनके माँ बाप हयात हैं वो अपनी माँओं की कदर कर लें। इस मुहर्रम में हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरी माँ के लिए दुआ मगफरत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने सुना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को जब वालदा का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, अब आपने संभल संभल कर चलना है, क्योंकि आपके पीछे दुआ करने वाली आपकी माँ दुनिया में नहीं रही। तो ये देख सकते हैं कि नबी को भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि माँ की क्या शान है। तो माँ के अलावा दोस्तों दुनिया वीरान होती है। अल्लाह सबकी माँ सलामत रखे।